डियर फ्रेंड्स, एक बार दोबारा हाजिर हैं हम अपने एक नए वीडियो के साथ। अब से क्वेश्चंस सिंपल सा है, क्या आपने कभी आईसीयू का विज़िट किया है अपने किसी मित्र को, अपने किसी फ्रेंड्स को या किसी को देखने के लिए आईसीयू में? वहाँ का मंज़र, वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर किस तरह का होता है? और आपके दिल में, या हम लोग कभी आईसीयू अपने किसी फ्रेंड्स को या किसी भी को देखने के लिए जब आईसीयू में जाने का मौका मिलता है, वैसे तो आईसीयू में विज़िट करना बहुत जिगर वाले का काम है, कभी जब आप विज़िट करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर के हालात क्या होते हैं और आपके ऑल ऑफ सडन आपके माइंड में वो कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं, वहाँ पर क्या आती है? वहाँ पर सिर्फ एक होप, उम्मीद और ऑल माइटी में अटूट यकीन, ये यकीन होता है, ये एक उम्मीद होती है कि ये यहाँ से ठीक हो जाए और ठीक होके वो बाहर निकल जाए। ओनली होप, सिर्फ कुछ भी नहीं हमारे पास होता है, कुछ भी वहाँ पे हमारे पास नहीं होता है। डॉक्टर के हाथ में जो वर्क, जो इफर्ट होता है, वो अपना कर रहे होते हैं और हमारे पास सिर्फ एक उम्मीद की डोर को हम थामे हुए अपने रिलेटिव से को, अपने फ्रेंड्स को, अपने अजीज व अकारीब को बहुत एक उम्मीद की निगाह से हम देखते रहते हैं कि यहाँ से, इस आईसीयू से वो सही सलामत वो बाहर वो निकल आए। इन द सेम वे ज़िंदगी के अगर जंग में आप देखेंगे तो सिर्फ होप, उम्मीद ही एक वो ऐसी वाहिद चीज़ है जिसके सहारे हम अपने ज़िंदगी की जंग को आसानी से लड़ सकते हैं, लड़ के हम उससे पार निकल सकते हैं। उम्मीद प्लस अपने ऑल माइटी में, अपने अल्लाह में, अपने खुदा में हम लोगों का यकीन ही वो ताकत होती है जो हमें मुश्किलों से बाहर निकाल देती है। इसीलिए उम्मीद की डोर को, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, उम्मीद की डोर को हमेशा हमें थामे रहना है। यही है ज़िंदगी, यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। निदा फाजली साहब का ये शेर है जो इम्फेसाइज कर रहा है होप्स को, उम्मीद की ताकत को। इसमें कितनी ताकत होती है, सिर्फ उम्मीद की ताकत। जिस तरह से आईसीयू में या हॉस्पिटल में जब हमारे कोई भी रहते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक होप रहती है, होप फॉर द बेस्ट एंड रेस्ट इन द हैंड ऑफ डॉक्टर्स। इसी तरह से अगर हम ज़िंदगी के, अगर हम जंग में अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो होप हमारे हाथ में है बिल्कुल, और साथ साथ अगर इफ़र्ट लगा दें विथ होप एंड बिलीव इन ऑल माइटी, अपने अल्लाह में इस चीज़ की एक फर्म बिलीव हो कि रिज़ल्ट ऑब्वियसली अच्छा होगा, तो कामयाबी हम लोगों के कदम चूमेगी। तो अल्टीमेटली हमें अपने इस होप की रस्सी को, उम्मीद की रस्सी को, दिस इज़ द ओनली सो इनर्जेटिक कैप्सूल्स विच इज़ अवेलेबल नॉट इन द फिज़िकल फॉर्म बट इन द अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। यही वो चीज़ है, यही वो उम्मीद है जो हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है, हमें मौत के मुंह से भी निकाल के ले आती है और हमें आखिरी सांस तक लड़ने की तलकीन और हिम्मत देती है। इसीलिए उम्मीद की डोरी को हमेशा हमें थामे रखना है। थैंक्स फॉर वंस अगेन, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, हैव ए नाइस डे।